हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दिल्ली डेयर डेविल्स के आईपीएल से बाहर हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड रिकी पॉन्टिंग, जो कि दिल्ली डेयर डेविल्स के कोच भी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दिल्ली डेयर डेविल्स ने ग्लेन मैक्सवेल को 9 करोड़ रुपए में जनवरी में हुए प्लेयर्स ऑक्शन में खरीदा था, जो कि उस समय का सबसे कॉस्टलियस्ट बाय था। पर दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल के सबसे बड़े फ्लॉप रहे। उन्होंने 12 इनिंग्स में सिर्फ 169 रन बनाए और उनका हाईएस्ट स्कोर था 47 रन। जब दिल्ली डेयरडेविल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग से ये पूछा गया कि ग्लेन मैक्सवेल की खराब फॉर्म की वजह क्या है, तो रिकी पॉन्टिंग ने ये आंसर दिया कि मैक्सवेल के खराब परफॉर्मेंस की वजह है अपने गेम को प्रायोरिटी ना देना और पार्टीज और सेरेमनीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहना। ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल का पहला मैच मिस किया क्योंकि उनको एरन फिंच के शादी में जाना था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनका नंबर 4 का पोजीशन उनसे छिन गया, क्योंकि पहले मैच में ऋषभ पंत में नंबर 4 में खेलते हुए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। रिकी पॉन्टिंग ने और भी कहा कि जब वो ऑक्शन टेबल पे बैठे थे तो उन्होंने नंबर 4 के लिए ग्लेन मैक्सवेल को ही लिखा था, पर पहले गेम के बाद ऋषभ पंत के परफॉर्मेंस के साथ ये फैसला चेंज हो गया। ग्लेन मैक्सवेल ने मैच को छोड़ के अपने खुद के पर्सनल रीजन को प्रायोरिटी दी और जिसकी वजह से उन्होंने अपना स्पॉट खोया। पर दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग का ये बयान सच नहीं लगता है, क्योंकि पहले मैच में ऋषभ पंत 5वें नंबर पे आए थे, ना कि चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आए थे विजय शंकर, जिन्होंने 13 बॉल पे 13 रन बनाए थे। पर हाँ, उनकी ये बात जरूर सही है कि ग्लेन मैक्सवेल पूरे आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, आईपीएल की और न्यूज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।